हाय दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है HVAC ड्राफ्टिंग। तो आइए आज हम ड्राफ्टिंग में बहुत सारे कमांड के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बहुत सारे कमांड के बारे में, आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारा कमांड है एरे, डिवाइड, लेयर, लेयर ऑफ या लेयर ऑन, ये सब और बहुत सारे कमांड के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का जो है सबसे पहला कमांड क्या है मेरा, एरे। तो हम एरे बनाने से पहले आपको कुछ बता दे कि एरे का जो है हम लोग यूज कब करते हैं। एरे का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग को किसी एक ऑब्जेक्ट को बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाना हो, तब हम लोग एरे का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एरे किस तरह बनाते हैं या फिर एरे का शॉर्ट की क्या है। एरे बनाने के लिए हमको AR कमांड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एरे बनाने के लिए AR, इसके बाद इंटर करना पड़ता है। फिर क्या पूछ रहा है हमसे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया, फिर हमको इंटर कर देना है। जैसे ही हम इंटर किए इसके बाद हमको पोलर करना है। ठीक है, पोलर पे क्लिक करेंगे या फिर पोलर पे इंटर करेंगे तो हमसे पूछेगा पिक पॉइंट, मतलब हम इस ड्रॉइंग को कहाँ पर बहुत सारा बनाना चाह रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसके बीच में बना दे, ये सेंटर के पास, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए इसके जो है चारों तरफ कुछ ड्राइंग बन चुका है, जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसके सामने में जो है कुछ और ज़्यादा बन जाए, यानी 10 बन जाए या फिर 20 बन जाए। तो इसके लिए हम आइटम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है नीचे में कमांड दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आई से जो है आइटम होगा यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर आई सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर नंबर पुट करना है कि हमको कितना ड्राइंग चाहिए, हमको 15 चाहिए। ठीक है, तो हम 15 मार के इंटर कर देते हैं। जैसे ही हमने 15 किया और इंटर किया, यहाँ पर देखिए आपके सामने में ये 15 ड्राइंग बन चुका है। ठीक है, तो एरे का आपके आपको पता चल गया कि एरे का यूज क्या होता है और इसका शॉर्ट की क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला कमांड डिवाइड के बारे में। डिवाइड, अब हम लोगों को किसी भी चीज़ को डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक रेक्टेंगुलर आपके सामने में ड्रॉ कर लेता हूँ, और अब इसको जो है हमको 3 इक्वल भाग में या फिर 4 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमको कौन सा कमांड यूज़ करना होगा, DIV। ठीक है, तो DIV हम लोग इंटर करेंगे और सिलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को जिसको हमको डिवाइड करना हो। इसके बाद कितने डिवाइड में हमको करना है, 5, तो मैं 5 और इंटर कर दिया। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर 5 भाग में बट चुका है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ अलग अलग ढंग से दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा। मान लेते हम एक लाइन लेगा, ठीक है, लाइन में इक्वल, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया, अब इसको हमको 5 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट की क्या होगा, DIV इंटर। ठीक है, DIV इंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसके बाद कितने भाग में डिवाइड करना है वो पुट कर देंगे, 5 इंटर। ये देखिए ये जो है 5 भाग में डिवाइड हो चुका है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी ड्राइंग को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो है नेक्स्ट कमांड वो क्या है, लेयर। तो आइए लेयर किस तरह बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो लेयर बनाने का हम लोगों का शॉर्ट की जो है वो क्या है, LA। ठीक है, हम लोग LA और इंटर करेंगे तो हमारे सामने में एक नया कमांड बार खुल जाएगा जिसमें बहुत सारा जो है लेयर यहाँ बना हुआ है। तो अब हम क्या है, हमको कुछ लेयर बनाना है या फिर लेयर, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर इस कमांड पे जाना होगा। ये क्या है, लेयर, न्यू लेयर ड्रॉ करने के लिए, या फिर अल्ट प्लस एन टीपना होगा। ठीक है, अल्ट प्लस एन टीपेंगे तो लेयर आ जाएगा, लेकिन जब हमारे सामने में इस तरह का कमांड खुल जाएगा तो हम यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके ले सकते हैं। इस तरह जैसे इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे लेयर 1 के नाम से आ चुका है। तो हम लोग HVAC में बहुत सारे लेयर का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ लेयर टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं लेयर मान लिया जाए वॉल, ठीक है, कोई वॉल का लेयर मैंने बनाया, तो वॉल लिख कर इसको इंटर कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सिंबल है हमको, ये लेयर ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है, और ये लेयर फ्रीज करने का है, ठीक है, और ये लेयर को लॉक करने का है, और ये लेयर का कलर है।
तो हम लोग यहाँ पर से जाकर अपने जो है वो इसका वॉल का कलर चेंज कर सकते हैं या लेयर का कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लाइन टाइप है, लाइन वेट है, ये सब, ये लाइन टाइप हो गया, ये लाइन वेट हो गया और कलर सेलेक्ट हो चुका है। तो इसमें जो है हम लोग थोड़ा डीपली में सीखेंगे आगे के लेयर हम लोग को जो है HVAC में कौन से लेयर का कौन सा कलर होता है। ये बहुत ही जल्द जो है कमांड का टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब हम लोग अपना प्रोजेक्ट ड्रॉ करना सीखेंगे कि हम लोग किस तरह HVAC का प्रोजेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो वहां पे मैं आपको सारे डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा कलर सिलेक्ट करना है किस लेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने एक वॉल का लेयर बनाया, एक और लेयर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए हम AC बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, AC, A and C, ठीक है। तो AC मैंने पुट कर दिया और लेयर इंटर कर दिया। हम चाह रहे हैं कि इसका कलर AC का वो ग्रीन हो, तो ये ग्रीन कलर में आ चुका है, तो ये लेयर का कलर भी हो चुका है। और हाँ, ये लेयर ऑफ ऑन करने का है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये लेयर मेरा ऑफ हो चुका है। और इसको अगर इस पे लाइटली अगर लाइट दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये लेयर ऑन है। अगर इसका लाइट जो है डिम हो चुका है तो इसका मतलब है ये लेयर ऑफ है। और इसके बगल में जो है सूरज की तरह या फिर बॉल की रोशनी की तरह जो निकल रहा है, ये अगर लाइट है तो इसका मतलब है लेयर मेरा शो हो रहा है। अगर इस पे हम क्लिक करके अगर इसके जो है चेंज कर देते हैं इसके कलर को या फिर इसके स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर लेयर ये फ्रीज हो चुका है, ठीक है। जो लेयर ऑफ काम करता है या ऑन करता है वही काम लेयर फ्रीज करता है, लेयर थ्रेड करता है। और ये जो है ये लेयर लॉक और अनलॉक है। ये देखिए हमने अभी यहाँ पर ये लेयर को लॉक कर दिया और यहाँ पर ये लेयर अनलॉक हो चुका है। और ये सब तो लाइन टाइप आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको लाइन टाइप और लाइन वेट के बारे में भी कमांड में बताया था। तो यहाँ से भी हम लोग इसको सेट कर सकते हैं और वहां से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कुछ लेयर बनाते हैं। और आपको किन किन लेयर का जरूरत है आप यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद ही अपना ड्रॉइंग बनाएं। अब हम ये लेयर ऑफ ऑन ये सब का तो यहाँ से देख लिए, अब हम एक लेयर ऑफ करना हो तो हम बार बार तो यहाँ लेयर में आएंगे नहीं। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये लेयर लाने के लिए हम लोग यहाँ से भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम LA कमांड का यूज करेंगे, इसलिए कि ड्राइंग बनाते समय हम लोग के हाथ में कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड बहुत ही जल्दी अटैक करता है जितना हम लोग माउस से जाकर क्लिक करें, ठीक है। तो हम लोगों ने लेयर बनाना सीख लिया। तो लेयर ऑफ ऑन करने के लिए शॉर्ट की हम सब कौन सा यूज करते हैं, LAYER इंटर, ठीक है, LAYER इंटर। इससे जो है लेयर ऑफ भी होता है और लेयर ऑन भी होता है। मैंने आपको बताया था ऑफ किस तरह सिलेक्ट करने से होता है और ऑन भी सिलेक्ट करने से होता है। जिस तरह हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमको कोई लेयर ऑफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, LAYER क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया सेम। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह लेयर यहाँ से ऑन किया जाता है और लेयर ऑफ किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है MTEX, ठीक है। हम कभी भी जो है ड्राइंग में कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ड्राइंग को दर्शाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो उस टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोग का कौन सा कमांड यूज करना होगा, MTEX। तो इसका शॉर्ट की होता है MT, MT करके इंटर करेंगे, हमको फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने में इस तरीके का एक कमांड खुल जाएगा जिसमें हम जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे ये AC मैंने लिखना चाहा तो AC लिख के क्लिक कर दिया। ये देखें यहाँ पर AC ड्रॉ हो चुका है, ये बहुत ही छोटा में था, अभी हम इसको और भी बड़ा करके देख लेते हैं। जैसे MT और इंटर किया मैंने, MTEX इंटर और सिलेक्ट किया। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड खुल जाता है जिसमें मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने AC नोट कर दिया। और हाँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसकी साइज भी बढ़ा सकता हूँ
यहाँ पर नोट कर दूंगा तो साइज हो जाएगा। यहाँ पर ये सब कुछ सिंपली है और इसका स्ट्रक्चर है कि मैं इस वर्ड को किस तरह लिखना चाहता हूँ, ये सब चीज़ है। ऊपर में देखिए आपके सामने में, यहाँ पे आप रोमन में या फिर जिस वर्ड में लिखना चाहते हैं इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी लिखी हुई स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एम टेक्स के बारे में भी देख लिया। तो अब अगला जो है हमारा नेक्स्ट कमांड वो है लीडर लाइन, ठीक है। अब लीडर लाइन हम लोग क्यों यूज करते हैं किसी भी ड्राइंग को दर्शाने के लिए कि ये ड्राइंग या फिर ये पाइप या फिर ये डक्ट कितनी साइज की है या फिर इससे कितना एयर फ्लो हो रहा है, ये सब चीज दर्शाने के लिए या फिर उस ड्राइंग का नाम दर्शाने के लिए हम लोग लीडर लाइन की जरूरत पड़ती है। तो इसका शॉर्ट की क्या है, LE, ठीक है। लीडर लाइन का शॉर्ट की LE इंटर, ठीक है। LE इंटर हम जैसे ही करेंगे तो जैसे यहाँ पर मैंने एक, ये समझ लेते हैं, एक REC, एक रेक्टेंगुलर पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये REC और मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर कुछ दर्शाना चाहते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर है और इसकी साइज क्या है, ये सब दर्शाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या कमांड यूज करना होगा, लीडर लाइन, और लीडर लाइन का शॉर्ट की क्या होता है, LE। तो मैंने LE इंटर जैसे ही मारते हैं हम यहाँ पर एक क्लिक किए और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको जिस तरह इसको ले जाकर यहाँ पर इस तरह से लिख कर देता हूँ तो ये मेरा लीडर लाइन कहलाता है, ठीक है। ये मेरा लीडर लाइन है जो कि एक तरफ तीर की तरह बना होता है जो दर्शाता है कि मैं इस ड्राइंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग होता तो ये जो है इससे हम अटैच करके लीडर लाइन बनाते तो ये इससे दर्शाता। और यहाँ पर मैं कुछ भी नोट लिख सकता हूँ कि हाँ ये रेक्टेंगुलर की साइज क्या है। तो लिखने के लिए तो मालूम ही आपको एम टेक्स कमांड का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर एम टेक्स यूज कर लेंगे और जो भी लिखना होगा तो ये REC कमांड है मेरा। मान लेते हैं इसको हम 50 × 50 का मान लेते हैं, 50 × 50 का जो है ये ले ले लिए। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के बना रहा हूँ, ये दरअसल ये 50 का है नहीं, बस मैं यूं ही लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से जो है हम लोग लीडर लाइन का यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोग डीपली देखेंगे इसलिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग को बहुत काम आने वाला है। तो आज जो है हम यहीं पे इस HVAC ड्राफ्टिंग टॉपिक को खत्म करता हूँ और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो है कुछ थोड़े से और कमांड्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग अपने HVAC ड्राफ्टिंग पे आ जाएंगे। अपने HVAC ड्राफ्टिंग में क्या क्या चीज ड्रॉ करना है या फिर आप क्या चीज सीखना चाहते हैं ये कमेंट में हमें बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।